नमस्कार, मैं हूं महावीर सिंह। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 2 दिन के दौरे पर जालौर सिरोही में हैं। रविवार शाम को जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पहुंचे, यहां बैठक ली और इसके बाद सांचौर गए जहां रात्रि विश्राम किया। पायलट इससे पहले भी कई बार सांचौर आए, लेकिन इस बार सांचौर में उनका रात्रि विश्राम चर्चा का विषय बना हुआ है। रात्रि विश्राम में उनके रुकने की जगह से लेकर खाना, बैठना, यहाँ तक कि दाढ़ी बनाना भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आप ये फोटो देखिए, सचिन पायलट ने सांचौर के काचेला गांव में रात्रि विश्राम किया था। यहाँ उनके विश्राम के लिए कोई होटल ऐसी नहीं, बल्कि एक झोपड़ा बनाया गया। देसी खटिया पर रात को सोए, खाने में भी देसी खाना खाया। सवेरे गांव के एक साधारण व्यक्ति की तरह दाढ़ी बनाई, नीम की लकड़ी से दांत साफ किए। सोशल मीडिया पर ये फोटो गजब वायरल हो रहे हैं। इधर भाजपा वाले इसे केवल सुर्खियां बटोरना बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भी जवाब दे रहे हैं कि जब मोदी केदारनाथ की वीआईपी गुफा में तपस्या करते फोटो वायरल करवा सकते हैं, तो फिर सचिन पायलट ने तो पूरी रात सादगीपूर्ण गुजारी है और तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए। सचिन पायलट के साथ वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह और सांसद के प्रत्याशी रतन देवासी भी मौजूद रहे।